हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटर और स्ट्रेटजी के बारे में। अब सडनली हम मेंटर और स्ट्रेटजी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए आप सभी को पता है क्राइसिस चल रहे हैं और आपके एग्ज़ाम कंटिन्यूसली पोस्टपोन हो रहे हैं। जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे होते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और डेफिनेटली आपके मन में भी आ रहा होगा। फ्रस्ट्रेशन भी होता है, प्रेशर भी होता है, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है। बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है अगर आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना चाहते हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको एक मेंटर क्यों चाहिए, मेंटर होना क्यों ज़रूरी है, आप कहाँ से चीज़ों को अपनी प्लानिंग कर सकते हो, और दूसरी चीज़ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बट ये सारा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर दो चीज़ें आपके साथ क्लेरिफाई करना चाहूँगा। एक चीज़ की, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा भाई, वो पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसे नहीं मान के चलना है कि आपको बिल्कुल यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। दूसरी बात कि आप किसी के साथ रेस में नहीं हो। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो कंपेयर करते हैं, अरे यार वो सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है बट वो तो 8 घंटे पढ़ता है, मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूँ, मुझे इतना ही टाइम मिल पाता है, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। या बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, यार उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो 1 साल 2 साल से कर रहा है, मैंने तो अभी शुरू किया है, तो मेरा प्रिपरेशन कैसे होगा। तो इस टाइप का कंपैरिजन आपको नहीं करना है। देखिए, इस टाइप के कंपैरिजन से आपको केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन होने वाला है, और जो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है इस टाइप का कंपैरिजन उसको डिक्रीज ही करेगा, किसी भी तरीके से इसको इंक्रीज करने वाला है नहीं। तो आप किसी के साथ रेस में नहीं हो, आप खुद को कंपेयर नहीं करो। देखिए, एक बात आपके माइंड में बिठाना है कि अगर किसी एग्ज़ाम में 500 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उन 500 लोगों का अलग अलग कंस्ट्रेन रहा होगा, उनका अलग अलग स्टडी आवर रहा होगा, उनका अगर जॉब कर रहे हैं तो वर्किंग आवर भी रहा होगा, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम रही होगी, सबकी अपनी अलग से स्ट्रेटजी रही होगी। इवन ये भी चांसेस है कि सब ने अलग अलग बुक्स भी पढ़े होंगे, सेम मटेरियल भी फॉलो नहीं किया होगा, सबका रिसोर्स अलग रहा होगा, सबको गाइड करने वाले अलग रहे होंगे, बट 500 लोग सेलेक्ट तो हुए हैं ना उसी एग्ज़ाम में। तो आपको किसी की बात को, किसी एक आदमी की बात को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि या मेरी बात को पत्थर पे लकीर नहीं मानना है। आप अपने स्ट्रेटजी फॉलो करके भी सेलेक्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करना और उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से यूटिलाइज करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट्स ज़रूर पहुँचाएंगे। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटर। तो मेंटर क्यों ज़रूरी है, देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो और आप फ्रेशर हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आप आगे ही निकल जाओ, बट ये श्योर शॉट नहीं है कि आप गलत ही करोगे और गलत रास्ते पे आगे निकल जाओगे, बट प्रोबेबिलिटी इसकी है। तो कोई तो हो जो आपको गाइड कर पाए कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, तो आप अपने टाइम को इफिशेंटली यूटिलाइज कर पाओगे, आप गलत डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे और आपका जो मेहनत होगा उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपके पास एक मेंटर होना ज़रूरी है। अगर पॉसिबल है कि ऐसा कोई मेंटर आपको मिल जाए जो ऑलरेडी उस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको गाइड कर पाएगा। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसा वो कहता है आपको वैसे ही फॉलो नहीं करना है। जो वो चीज़ कहता है उसको आप अपने हिसाब से, अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, आपको उस तरीके से फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रिलेटिव फ्रेंड का कोई ना कोई हो जो उसको गाइड कर पाए, ऑलरेडी वो उसका उसके पास उस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो। या हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जगह से आते हैं जो कंट्री साइड एरिया के हैं, रूरल एरिया के हैं, जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, किसी के पास ऐसा एक्सपोजर नहीं को गाइड कर पाए, तो वो लोग क्या करें। देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस पड़े हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप वो देख सकते हो। दूसरे सबसे एफिशिएंट चीज़ है जो आपको खुद से आप इवेल्युएट कर सकते हो, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, अपने आप को आप मॉनिटर कर सकते हो, खुद ही आप खुद के मेंटर बन सकते हो, कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का कहीं का भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं श्योर करना चाहूँगा आपको कि भाई मेरी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है जिस एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, नहीं तो आप तो ये भी कहने लगोगे कि मैं खुद के टेस्ट सीरीज बेचने के लिए आपको ऐसा एडवाइस कर रहा हूँ, बट मेरी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि ज़माना ऐसा है कि भगवान खुद आके यहाँ पे कहे ना कि मैं भगवान हूँ, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, कहेंगे कि ज़्यादा पी लिया है, चढ़ गई है, भगवान बता रहा है खुद को। तो आप इस वे में मत लेना। मैं देखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपको 2-3 फायदे होने वाले हैं। एक तो आपने जो पढ़ाई किए हैं आप उसको इवेल्युएट कर पाओगे कि कितना आपने सही किए हैं,
और मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि आपको किस टाइप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और एक चीज़ और है कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो पाएगा कि आप ये जो टाइम चल रहा है, देखो आप एग्ज़ाम होने भी स्टार्ट हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत गैप भी नहीं मिलने वाला, हो सकता है आपके महीने दो महीने तीन महीने आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाए और आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाए, क्योंकि अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा रही है, गवर्नमेंट भी अब फ्रीडम दे रही है कि एग्ज़ाम करवाओ, तो जल्दी हो सकता है। तो आप क्या कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस बन जाओगी, वो टाइम लिमिट में आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो ये इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब ये क्वेश्चन आता है कि टेस्ट सीरीज किसकी ज्वाइन करें। देखिए आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप ये ध्यान रखो कि जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे वैसे ही कैंडिडेट हों जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज उसी के लिए हो। क्योंकि सपोज करिए आपने बहुत अच्छे ब्रांड नेम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली जहाँ पे आप टेक्निकल से हो, जहाँ पे ईएस की प्रिपरेशन हो रही है, गेट की प्रिपरेशन हो रही है, और आप वहाँ पे ईएस और गेट की कैंडिडेट उसको ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पे ईएस और गेट के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है आपके क्वेश्चन ना बने क्योंकि आपने तो पीएससीयूज की प्रिपरेशन किए हैं या फिर स्टेट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन किए हैं। सपोज करिए आप आरटीयू की प्रिपरेशन कर रहे हो और लेवल डिफरेंस है, तो आप खुद ही टेस्ट सीरीज देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हो यार कि मुझे नहीं आ रहा है, लोग तो अच्छे रैंक ला रहे हैं, तो आप फालतू में वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आपको इस टाइप की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी है। हाँ, आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ईएस की कर रहे हो तो ईएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आरटीयू की कर रहे हो तो आरटीयू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मतलब आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको उसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है ढूंढ के, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अगर अवेलेबल है तो जरूर ज्वाइन करें। इससे आप खुद को भी इवेल्युएट कर पाओगे क्योंकि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं, तो आप कंपैरिजन भी कर पाओगे कि जो आपके कंपटीटर हैं आप उनमें कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हो, आपको कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये फायदे हैं टेस्ट सीरीज के, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। अगर टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलती है, सपोज कोई टेस्ट सीरीज नहीं करवा रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये जो टाइम है इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको सॉल्व करने हैं। और बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब वो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो कहीं से थोड़ा सा स्ट्रक होते हैं या कहीं से छोटा फार्मूला भूल रहा होता है, तो वो कहते हैं कि अरे ये तो मुझे याद ही है या थोड़ा सा देख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर उनको फील होता है लास्ट में कि हाँ उनको काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सोल्यूशन नहीं देखना है। आप अपने माइंड में ये बिठा लो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आप इसको एकदम एग्ज़ाम की तरह सॉल्व करो, कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आपके पास कंस्ट्रेन है, आपको कोई मॉनिटर कर रहा है, आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको फॉर्मूले नहीं देखने हैं, आपको उसी टाइम लिमिट में जो एग्ज़ाम की टाइम लिमिट है उसी टाइम लिमिट में ये पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, सोल्यूशन नहीं देखना है, नहीं आता है अगला सॉल्व करना है, वो भी नहीं आता है उसके आगे वाला सॉल्व करना है। फाइनली जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, आप पेपर सॉल्व कर लो, तो ही आपको खुद को इवेल्युएट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, किस क्वेश्चन में आप कहाँ पे स्ट्रक हो रहे थे, कितना इवेल्युएट करने, कितना आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको भूल गया है। देखो ये चीज़ ये भी होता है, इस तरीके से प्रैक्टिस करने की बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमको चीज़ें याद रहती है बट एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से एग्ज़ाम में हम उस फॉर्मूले भूल जाते हैं, वो चीज़ें भूल जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने में आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है उसको भी बियर करने की कैपेसिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, आप घबराओगे नहीं एग्ज़ाम में जाने से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक प्रिसाइज वे में चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो। तो या तो आप टेस्ट थ्री ज्वाइन करो, या तो घर पे प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करो, या फिर इसके साथ साथ, या ये तीनों साथ में आप कर सकते हो, और आपका कोई मेंटर हो जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। जितना ज़्यादा हो सकता है ये जो पीरियड है जिसमें एग्ज़ाम एक्सटेंड हो रहे हैं उसको उतना ही ज़्यादा आप यूटिलाइज करो, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो रिलेटिव एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपकी तरफ फ्रस्ट्रेट होकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ दें या कुछ दिन घूम के आएँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा कि रेस नहीं लगाना है, कंपैरिजन नहीं करना है, बट माइंड में ये होना चाहिए कि भाई आपको किसी भी तरीके से आपकी स्टडी नहीं छोड़ना है, नहीं तो जितना भी आपने पीछे मेहनत की है वो सब वेस्ट चली जाएगी। और ये जो टाइम है इसको आप एक तरह से यूटिलाइज करो जितना ज़्यादा हो सकता है, इसका एडवांटेज लो, कभी भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, खुद को इवेलुएट करते रहो, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहो, नया पढ़ने की कोशिश मत करो, जितना आपने पढ़ लिए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है या फिर आई है, जैसे एसएससी जेई की आ चुकी है,
तो जिस एग्ज़ाम की आ चुकी है उसमें आप रिवाइज करो, जिसकी नहीं आई है उसमें आप नया चीज़ें भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो। बट ट्राई करो कि जो चीज़ें आप पढ़े हो एक साइड से भूले ना, उसको साथ में रिवाइज करते रहें। और ख़ुद को इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इवेल्युएट करें, किसी की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, अगर टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करें। ये रहा मेरे तरफ से सजेशन, और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये सजेशन डेफिनेटली आपके पत्थर पे लकीर नहीं है, आप अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, इसके बारे में आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता है, तो आप उस हिसाब से इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पोस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उसको भी रिजॉल्व करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।